राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच दीपिका चिकलिया, अरुण गोविल और सुनील लहरी का गाना हमारे राम आए हैं रिलीज को तैयार है। ऐसे में ये गाना कैसे शूट हुआ था, क्या क्या आखिर तैयारियां थी इतनी ठंड में, इस गाने को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई थी, अब इसके कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोस भी सामने आ चुके हैं जिस पर लोगों ने भी अलग अलग अंदाज में रिएक्ट किया है। आइए आपको दिखाते हैं सब कुछ। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर का माहौल राममय हो चुका है। भगवान राम पर बने कई गाने रिलीज हो चुके हैं तो कई ट्रेंड कर रहे हैं। इस बीच अरुण गोविल, दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी का गाना हमारे राम आए हैं 22 जनवरी को रिलीज होने को तैयार है। बता दें कि हमारे राम आए हैं गाने को सोनू निगम ने गाया है जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुभ अवसर पर रिलीज होगा। गाना 22 जनवरी को रिलीज होगा। इससे पहले सोनू निगम ने श्री राम लला भजन को अपनी आवाज दी थी जिसे काफी पसंद किया गया था। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अरुण गोविल ने भी पोस्ट शेयर कर फैंस को ये जानकारी दी है। शेयर्ड पोस्ट में अरुण गोविल, दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। हमारे राम आए हैं की शूटिंग अयोध्या के गुप्तागर घाट, हनुमानगढ़ी और लता चौक पर की गई है जिसकी तस्वीरें भी आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। रामायण के कई दृश्य भी इस दौरान दर्शाए गए हैं। इतना ही नहीं, रामायण के पुराने दृश्यों के भी सीन इस गाने में आपको देखने को मिलेंगे। बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल, दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी को भी न्योता भेजा गया था और वो अब अयोध्या में ही हैं, जहां वो इस गाने की शूटिंग को भी खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अरुण गोविल, दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी इस गाने की शूटिंग में बेहद बिजी हैं और इसको अच्छे से निभा रहे हैं। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, मानो या न मानो अभी तक की सबसे अच्छी रामायण थी और रहेगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये वाला रामायण किस किस ने देखा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, राम आ गए हैं, जय श्री राम। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।